हर शॉट से पहले मैं तो नर्वस होता हूँ, मुझे लगता है कि सभी होते हैं, हम सब होते हैं। तो चुटकी का काम तो नहीं होता, बट ऐसा भी नहीं है कि किसी कैरेक्टर को प्ले करने के लिए मैं उस कैरेक्टर में घुस जाऊँ, 6 महीने पागलों की तरह घूमता रहूँ, और बिकॉज उससे आई थिंक एक एक्टर पागल हो जाएगा। क्योंकि जब आप सेट पे आने से पहले और सेट से जाने के बाद आई थिंक यू हैव टू बी योरसेल्फ टू बी सेफ। If you keep thinking and if you keep playing that character at home also, in your office also, everywhere, तो फिर आप अकेले ही रह जाएंगे। अजय सर, आप चूंकि, हाँ एक सवाल पूछता हूँ था कि आप चूंकि एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, तो ये जो पिछला 2 साल है कोविड के बाद से, तो उससे पहले आपकी फिल्म थी तानाजी, मतलब जो सबसे ब्लॉकबस्टर थी, सबसे ज़्यादा कमाई की थी। लेकिन कोविड के बाद से जो हिंदी फिल्में आ रही हैं वो उतनी ज़्यादा कमाई नहीं कर रही है सूर्यवंशी को छोड़ कर। ये भी कह रहे हैं ट्रेड वाले कि मतलब साउथ जो है वो ओवरटेक कर लेगा, जो बची खुची मतलब चीज़ें हैं वो OTT ओवरटेक कर रहा है हिंदी के बॉक्स ऑफिस को, आप क्या सोचते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी 4-5 महीने हुए हैं कि फिल्में थिएटर्स खुले हैं, सबसे पहले सूर्यवंशी आई जो कि बहुत अच्छी गई। उसके बाद जब भी कोई अच्छी फिल्म आई, वो चाहे साउथ की हो, चाहे हॉलीवुड की हो, चाहे यहाँ की हो, वो चलेगी ज़रूर। और ऐसी कोई लगातार कोई बड़ी फिल्में आई भी नहीं है हिंदी की, तो आई डोंट थिंक कोई लोग कह रहे हैं, ये आप ही कह रहे हैं, बट किसी और को तो सुनानी पड़ी है कहते हुए। तो जब अच्छी फिल्में आएंगी तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी चल रही है।